Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello students, welcome to the online classes of Shivam Convent School, class 3rd. Today we will read science chapter 3. What do animals eat? Animals kya khate hain? In this chapter we will discuss about to know about the group of animal based on their food habits. Food habit ke based par animal kitne types ke hote hain. To understand a food chain kya hoti hai. To learn how animals feed or animals kya khate hain, kaise khate hain. Let's start our chapter. We all need food to stay alive. हम सभी को food की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए. In the same way, animals also need food to stay alive. Food gives them energy to move around and work. It helps them grow. It also helps them in staying healthy. जैसे कि हम लोगों की food की need इसलिए होती है ताकि हम लोग ज़िंदा रह सकें, work कर सकें, move कर सकें, grow हो सकें. Same इसी तरह animals को भी food की need होती है. We know that plants make their own food in the presence of air, water and sunlight, but animals cannot make their own food. They depend on other plants or animals for their food. हम सभी जानते हैं plants तो air और water sunlight की presence में अपना food बनाते हैं, लेकिन animals अपना food नहीं बना सकते, वो दूसरों पर depend करते हैं. Animals show a variety of feeding habits based on food they eat. Animals are divided into herbivores, carnivores and omnivores. एनिमल्स जो भी खाते हैं उन सब बातों के आधार पर एनिमल्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया, हर्बीवर्स, कार्निवर्स और ओमनीवर्स. प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवर्स. मैनी एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स ओनली, दे आर नोन एज हर्बीवर्स. एलिफेंट, जिराफ, हॉर्सेस एंड डियर्स आर हर्बीवर्स. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो केवल प्लांट या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, उनको हम लोग हर्बीवर्स कहते हैं, जैसे कि एलिफेंट, जिराफ, हॉर्स, डियर्स. Flesh eating animals or carnivores. Animals like tigers, foxes and leopards eat flesh of other animals. They are called flesh eating animals or carnivores. Some carnivores eat only dead animals and are known as scavengers. For example, hyenas, jackals and vultures. अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो केवल फ्लैश खाते हैं, उनको हम लोग कार्निवर्स बोलते हैं, जैसे कि हाइना, जैकॉल, वल्चर. इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो केवल डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, उनको हम लोग स्केवेंजर्स कहते हैं. उनमें हाइनास, जैकॉल्स, वल्चर्स आते हैं. प्लांट्स एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और ओमनीवर्स. देयर आर सम एनिमल्स लाइक बियर्स, क्रोस एंड रैट्स विच ईट बोथ plant products and flesh of other animals. They are called omnivores. Human beings are also omnivores. अब कुछ animals ऐसे भी होते हैं जो plants भी खाते हैं और flesh भी खाते हैं, उनको हम लोग omnivores कहते हैं, जैसे कि bear, crow, human being, ये सब omnivores में आते हैं. Food chain. We now know that some animals are plant eating, some others are flesh eating, while some animals are both plant eating and animal eating animals. जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ एनिमल्स केवल प्लांट खाते हैं, कुछ केवल फ्लैश खाते हैं, कुछ प्लांट्स और फ्लैश दोनों खाते हैं. दस ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर दियर फूड. फॉर एग्जांपल, अ डियर ईट ग्रास एंड देन अ लायन ईट्स डियर. इसी तरह सब लोग एक दूसरे पे अपने फूड के लिए डिपेंड रहते हैं. जैसे कि अब जो डियर होता है वो ग्रास खाता है, लेकिन जो लायन होता है वो डियर को ही खा लेता है. हेंस अ चेन इज फॉर्म्ड वेयर सम एनिमल्स डिपेंड ऑन डायरेक्टली ऑन प्लांट्स एंड अदर डिपेंड ऑन डायरेक्टली ऑन प्लांट्स. इस तरह से एक फूड चेन बनती है जिसमें कि कुछ एनिमल्स प्लांट्स पर डायरेक्टली डिपेंड करते हैं और कुछ इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं. दिस इज कॉल्ड अ फूड चेन. अ फूड चेन बिगिंस फ्रॉम अ प्लांट्स एंड एंड्स विद एन एनिमल. जो फूड चेन होती है वो प्लांट्स से स्टार्ट होती है और एनिमल्स पे एंड होती है. अ फूड चेन शोज हाउ लिविंग थिंग डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर दियर फूड. एनी डिस्टर्बेंस इन द फूड चेन कैन कॉज एन इम्बैलेंस इन नेचर. वी शुड नॉट कट टू मैनी ट्रीज और किल एनिमल्स टू मेंटेन दिस बैलेंस. फूड चेन ये शो करती है कि एनिमल्स कैसे एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, और जो बैलेंस होता है फूड चेन का, ये हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. इसलिए हमें ज़्यादा ट्रीज कट नहीं करना चाहिए, कभी भी एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए. हाउ एनिमल्स फीड. अब एनिमल्स कैसे फीड करते हैं. डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड. द फीडिंग हैबिट्स ऑफ एन एनिमल फूड डिपेंड ऑन द फूड इट ईट्स. एनिमल कैसे फीड करते हैं ये सब उनकी हैबिट्स पे और उनकी आदतों पे डिपेंड करता है. एनिमल्स दैट च्यू द कट. हर्बीवर्स सच एज हॉर्सेस, काउस एंड सीप हैव स्ट्रॉन्ग टीथ. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ टू बाइट द ग्रास एंड लीव्स. दे हैव फ्लैट बैक टीथ विच हेल्प देम इन च्यूइंग द फूड.
हर्बीवरस एनिमल्स जैसे कि काऊ, हॉर्सेस, सीप, इन सब के फ्रंट टीथ होते हैं, वो बाइट करते हैं ग्रास को, लीव्स को, और जो इनकी बैक टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं, उनसे वो लोग फूड को चू करते हैं, मतलब चबाते हैं। काउस एंड बुफेलो सेलो दियर फूड विदाउट चूइंग इट, आफ्टर वर्ड दे ब्रिंग द फूड बैक फ्रॉम द स्टमक टू द माउथ टू चू इट प्रॉपरली, दिस इज कॉल्ड चूइंग द कट, एंड सच टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। जैसे कि काउस और बुफेलोस क्या करती हैं, वो बिना चू किए ही अपने फूड को स्वेलो कर लेती हैं, उसके बाद वो फिर टाइम में अपने स्टमक से फूड को बैक लाकर फिर से उसको चू करती। इस पूरे प्रोसेस को च्यूइंग द कट कहते हैं, और ऐसे टाइप्स के एनिमल को रूमिनेंट्स कहते हैं। एनिमल्स दैट टीयर एंड च्यू फ्लश, सम फ्लश ईटिंग एनिमल्स लाइक लायंस, टाइगर एंड डॉग्स टीयर द फ्लश ऑफ द प्रे एंड च्यू इट, दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड टीयरिंग टीथ एट द फ्रंट ऑफ द जॉ, दियर फ्लैट बैक टीथ हेल्प देम टू च्यू द फ्लश। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फ्लश खाते हैं, उनके जो फ्रंट के टीथ होते हैं बहुत ही शार्प और पॉइंटेड होते हैं, जिसकी हेल्प से वो लोग फ्लैश को टीयर करते हैं, और जो बैक टीथ होते हैं वो फ्लैट होते हैं, उनकी हेल्प से वो लोग फ्लैश को च्यू करते हैं। एनिमल्स दैट स्वैलो दियर फूड, कुछ एनिमल्स अपने फूड को निगल जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स, लिजार्ड्स डू नॉट हैव टीयरिंग और च्यूइंग टीथ, दे कैन ओपन दियर माउथ वेरी वाइड एंड स्वैलो दियर होल फूड विदाउट chewing it. Some snakes like pythons can swallow the animals as big as deer. Lizards and frogs have long and sticky tongue. They shoot out their tongue to catch insects. अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके कोई भी टीथ नहीं होते, वो लोग अपने फूड को स्वेलो करते हैं, जैसे कि स्नेक्स हो गया, अर्थवॉर्म हो गया। अब कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि पाइथन्स हो गए, वो इतने बड़े जैसे कि डियर जैसे बड़े एनिमल को भी ऐसे ही स्वेलो कर लेते हैं। एनिमल्स दैट गना, कुछ एनिमल्स गना करते हैं। एनिमल्स लाइक दैट्स, रैबिट्स एंड स्क्वायरल बाइट दियर फूड रिपीटेडली और च्यू इट हार्ड, विच इज़ नोन एज ग्नाइंग। कुछ एनिमल जैसे कि रैट, रैबिट, स्क्वायरल, ये अपने फूड को बहुत ही धीरे धीरे रिपीटेडली च्यू करते रहते हैं और हार्डली उसको चबाते रहते हैं, इस प्रोसेस को ग्नाइंग कहते हैं। दे हैव वेरी शार्प सन टीथ, दीज टीथ हेल्प देम टू ब्रेक सीड्स, नट एंड फ्रूट्स, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रोडेंट्स। इनके फ्रंट टीथ इतने स्ट्रांग होते हैं कि ये लोग सीड्स, नट्स, इन सबको ऐसे ब्रेक कर देते हैं। इनको, इन एनिमल्स को हम लोग रोडेंट्स कहते हैं। Animals that suck liquid, insect like butterflies, honeybees and mosquitoes do not have teeth. They have a long hollow tube like structure in their mouth to suck the liquid. Butterflies and animals, honeybees use the tube like structure to suck nectar from flowers. Similarly, mosquitoes also suck blood off other animals. अब कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो ना कि च्यू करते हैं, ना ही स्वेलो करते हैं, वो केवल सक करते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई हो गया, वो नेक्टर्स को सक करते हैं, और बहुत से एनिमल्स होते हैं जो केवल सक करते हैं। एनिमल्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स लेफ्ट लिक्विड फूड और वाटर विद दियर टंग, कुछ एनिमल्स जैसे कि कैट, डॉग, वो केवल लिक्विड को लैप करते हैं, दिस इज नोन एज लैपिंग, इस प्रोसेस को लैपिंग कहते हैं। सम एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, एंड एलिफेंट हैज अ लार्ज टंग विच हेल्प इट टू ड्रिंक एंड ड्रिंक, इट यूजेस इट्स टंग टू अपरूट ग्रास एंड टीयर ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम ट्री, इट ऑल्सो यूज इट्स टंग टू सक वाटर, इट यूजेस इट्स टंग टू स्प्रे वाटर ओवर इट्स बॉडी। अब कुछ एनिमल्स में ट्रंक, जैसे कि एलिफेंट में ट्रंक होती है, वो उसी की हेल्प से पानी पीता है, उसी की हेल्प से जो भी खाना होता है वो भी खा लेता है, अपनी बॉडी में वाटर स्प्रे भी कर लेता है। एंड अर्थवॉर्म सोइलो सॉइल्स विच हैज़ डेड प्लांट्स एंड एनिमल इन इट, अर्थवॉर्म क्या करता है, वो सॉइल को ऐसे ही स्वेलो कर लेता है, उसमें सारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। केयरिंग फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, गोट्स, हैंस आर हॉर्सेस आर वेरी यूजफुल टू हर्स, बहुत से डोमेस्टिक एनिमल जैसे काउ, बफेलो, गोट्स, इन सबको हम लोग रखते हैं घरों में, हमारे लिए यूजफुल होते हैं। दिस सर्व अस वेल इफ़ वी टेक गुड केयर ऑफ देम, अगर हम उनकी अच्छी देखभाल करते हैं वो भी हमारी अच्छी से सेवा करते हैं। वी शुड फीड देम प्रॉपरली विद एनर्जी रिच फूड, हमें उन्हें हमेशा एनर्जी रिच फूड ही देना चाहिए। फूड एंड वाटर मस्ट बी गिवन टू देम इन क्लीन वेसल्स, फूड और वाटर उनको हमेशा साफ बर्तनों में देना चाहिए। वी शुड ऑल्सो गिव देम प्रॉपर केयर एंड शेल्टर, हमें उन्हें प्रॉपर केयर और शेल्टर देना चाहिए। दे मस्ट बी ट्रीटेड ऑन टाइम इफ फॉलन सिक, अगर वो कभी भी बीमार पड़ते हैं उन्हें हमेशा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। वी मस्ट बी वेरी काइंड टू देम ऑलवेज, हमें उन पर हमेशा अच्छे से केयर करनी चाहिए, उन पर दया बनाए रखनी चाहिए। थैंक यू।